तो हेलो गाइस, वेरी मच वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू लेटेस्ट वीडियो ऑन रोस्ट गेमिंग 2.0। आई एम सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं डालता हूँ, जस्ट बिकॉज गाइस थोड़ा सा स्टडी है एंड थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ता है वीडियो के लिए, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। सो मैं आप लोग को शॉर्ट्स डाल के एंटरटेन करता हूँ, तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स नहीं देखते हो तो आप देख सकते हो, और रेगुलर डालता हूँ, ठीक है। और चलो बात कर लेते हैं आज हम लोग नथिंग फोन 1 के बारे में। क्या ये बेस्ट है इन 2022 फॉर गेमिंग? क्या गेमिंग के लिए हम लोग को नथिंग फोन 1 लेना चाहिए? इसके अंदर कौन सा रैम रोम वेरियंट कितना मिलता है? इसमें आपको सबसे मेन प्रोसेसर कितना मिलता है जो कि गेमिंग के लिए बेस्ट है या फिर नहीं, और इसका प्राइस रेंज कितना रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नथिंग फोन 1 के प्रोसेसर के बारे में। तो गाइस अभी नथिंग फोन 1 क्योंकि लॉन्च हुआ नहीं है और नथिंग कंपनी बहुत ज्यादा मतलब सीरियस अपने फोन को लेकर, वो कुछ लीक नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रोसेसर है वो आप लोग को यहाँ पे 7th Gen 1 मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का। ये यहाँ से लीक से पता चला है, ठीक है। ये 100% कंफर्म नहीं है, बट 90% से ऊपर तुम कंफर्म लेके चलो कि इसके अंदर आप लोग को स्नैपड्रैगन 7th Gen 1 मिलने वाला है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का सबसे ज्यादा बेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। और सो ये बेस्ट है, सो ये 90 हर्ट्ज तक कैपेबल है चलाने में। बट अब तुम लोग देखो ये क्या करते हैं नथिंग फोन वाले, इसमें आप लोग को 90 हर्ट्ज सपोर्ट देते हैं बाय डिफॉल्ट या फिर नहीं? बट मेरे ख्याल से नथिंग क्योंकि लिए बहुत बड़ा ब्रांड बनते जा रहा है धीरे धीरे, सो 90 FPS इसमें फ्यूचर में या फिर आते ही इनेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। और बात कर लेते गाइज इसके अंदर के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें 120 हर्ट्ज का तुम लोग को OLED डिस्प्ले मिल जाता है 6.65 इंचेस का, और OLED डिस्प्ले लिटरली गाइज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग को 120 हर्ट्ज तक का बताया जा रहा है डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, ये कंफर्म नहीं है 100%, ठीक है, बट तुम लोग को 99% 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते गाइज इसकी बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पे तुम लोग को 100% कंफर्म निकल के आ रहा है, 5000 mAh का देखने को मिल जाएगा, ठीक है, विथ 45W की फास्ट चार्जिंग, ठीक है। और बैटरी जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इस डब्बे में नहीं आएगा, ठीक है, तुम लोग को अलग चार्जर इसका जो है वो इस डब्बे में नहीं आएगा, तुम लोग को अलग से लेना होगा, ठीक है। ये आईफोन वाला सिस्टम कर रहा है सब मिलके हम लोग को, मतलब समझ रहे हो ना, बड़ा हरामी हो वही बना रहे हैं। खैर कोई नहीं, अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइज इसके कैमरा के बारे में। तो इसका कैमरा के बारे में गाइज अभी तक कुछ कंफर्मेशन तो आया नहीं है, बट अगर मेरी मानो तो तुम लोग को इसके अंदर कैमरा जो है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा फोटो क्लिक करके तुम लोग को दे देगा, ठीक है। और गाइज इसके अंदर आप लोग को OS की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप लोग को मिलता है नथिंग OS, ठीक है। नथिंग OS एक एंड्रॉयड बेस्ड OS है, ठीक है, और ये एंड्रॉयड 12 पर रन करता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड 12 वाले यूज़र को एंड्रॉयड वाले यूज़र खुश हो जाओ कि इसमें एंड्रॉयड 12 बहुत ईजी वर्क करने वाला है। और क्योंकि अभी नथिंग फोन के सारे डिजाइंस एंड लुक्स बाहर आ रहे धीरे धीरे, सो अभी इस वीडियो में 100% क्लियरिटी देना एवरी फीचर के बारे में ये कन्फर्मली ये सही नहीं होगा, ठीक है। सो मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।